तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो कोई प्लैनेट सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आता है, तो ध्यान आगे प्लीज, एरिया स्वेप्ट ये लेना पड़ेगा, शेडेड एरिया पूरे का पूरा, क्योंकि सन को बीच में लेना पड़ता है। तो अब इस केस में जो केपलर लॉ है उसके अकॉर्डिंगली डी ए बाई डी टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट, यानी कि डी ए इज प्रोपोर्शनल टू टी टी, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा टाइम टेकन होगा। तो एक काम करते हैं, टाइम टेकन यहां से यहां का टी वन है तो क्या होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया कवर्ड, ये पूरे का पूरा एरिया इस तरफ वाला, और ये वाला जो टाइम है इज प्रोपोर्शनल टू ये वाला एरिया सेकेंड वाला। तो अब बड़े वाला एरिया निकालने, ये वाला क्या होगा, इस एरिया में ये हाफ एलिप्स है, पूरा एलिप्स का एरिया अगर ए है तो हाफ एलिप्स का ए बाई टू, ये एरिया गिवन है ए बाई फोर, तो ये एरिया आ गया। बचा हुआ एरिया क्या होगा, टोटल हाफ एरिया कितना है, ए बाई टू, में से ए बाई फोर को क्या कर दे, माइनस, तो ए बाई टू माइनस ए बाई फोर, सॉल्व करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ज्योमेट्री से ही एरिया निकल गया, वहां से टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन रिपीट है, आज हमने किया, सेम है। इसके बाद शीट नंबर 105, आज की शीट 105, कुछ फैक्ट्स हैं मैंने नोट किए हैं इसमें, अलग अलग बुक्स में गिवन थे तो मैंने भी नोट कर दिए। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ v दैट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तो अगर मैं एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से एक बॉल को या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें, बॉडी एस्केप्स एंड मूव्स इन इंटरस्टेलर स्पेस, ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चली जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाएगी। कितने वेलोसिटी से क्रॉस करेगी, ये इसका शॉर्टकट बुक्स में गिवन है। एक्चुअल में उन्होंने एनर्जी का लगाया कि हमने इतनी एनर्जी दी और वो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इंटरस्टेलर स्पेस में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो वहां से वी डैश की वैल्यू को इससे निकाला है। तो ऑब्जेक्टिव बुक में गिवन था पॉइंट, तो मैंने भी इसमें नोट कर दिया वैसे, राइट, कि जैसे एनर्जी रिक्वायर्ड थी इतनी, हमने दी इतनी, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई जिससे कि वो स्पेस में आगे मूव करेगा। तो यहां से ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो। अ गिवन प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, शायद केमिस्ट्री में सुना होगा, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में मूव करते हैं विद अ वेलोसिटी विच इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। विद अ वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, शायद केमिस्ट्री में आपने सुना होगा। तो कुछ प्लैनेट्स, ज्यादातर प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि गैसेस को बांध के रखना पड़ता है। कई लोग कहते हैं ग्रेविटी कम है तो गैसेस एस्केप हो जाती हैं, ठीक, ग्रेविटी तो है, मून के ऊपर ग्रेविटी है, हर प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटी है, फिर भी गैस नहीं है। तो एक्चुअल में क्या रीजन है कि जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनकी खुद की वेलोसिटी उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो अगर मान लो एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, उनकी वेलोसिटी मान लो 13 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो अपने आप ही वो एस्केप कर जाएंगी। तो ये रीजन है कि इस केस में अगर जो आरएमएस वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, द एनर्जी गिवन टू अ स्टेशनरी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट्स टोटल एनर्जी इज जीरो, दैट इज बॉडी क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप एनर्जी। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कि कोई बॉडी ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाए, वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी को बोलते हैं एस्केप एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ 2 gm बाय r,
एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम इन टू वीई का स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें अंडर रूट ऑफ 2 gm बाय r स्क्वायर करके 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर आएगा एस्केप एनर्जी का। मैं इसलिए ये पॉइंट लिख के लाया हूं, अगर ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए एस्केप एनर्जी क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लाइट के इक्वल है, मतलब मॉलिक्यूल किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लो किसी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी लाइट जितनी है, अब सबको पता है लाइट जितना तो कोई नहीं अचीव कर पाया, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कभी भी एस्केप कर नहीं पाएगा। अब एस्केप वेलोसिटी है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब कौन सा, कभी सुने कि आपने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें लाइट की स्पीड अटेन हो गई? नहीं, लाइट की स्पीड कैन नॉट बी अचीव्ड। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया था लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर लाइट की स्पीड होती तो फिर रॉकेट लाइट की स्पीड से ज्यादा 8 मिनट में तो सूरज के उसमें पहुंच जाते, तो नहीं अचीव की जा सकती। तो लाइट की स्पीड नहीं अचीव हो सकती, पर अगर ऐसा हो तो फिर तो यानी कि आप ग्रेविटेशनल पुल को कभी भी ओवरकम कर नहीं पाएंगे, राइट? तो फिर ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे? ब्लैक होल। बस एक बार उसमें जाया तो जा सकता है, लेकिन फिर कोई आ नहीं सकता उसमें से, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वो अटेन कर नहीं पाएगा और वो वहीं रह जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ब्लैक होल्स का यही प्रिंसिपल है। तो ब्लैक होल की जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होती है? सी। तो स्क्वायरिंग करके ब्लैक होल का रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट में इट इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या थी? माइनस जीएमएम बाय आर प्लस एच, तो माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ये पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? पकड़ के रखने की एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में भी होती है, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने की एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी, सैटेलाइट को बांध के रखने की एनर्जी। ठीक, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जिसकी डायरेक्शन ऑफ जो रेवोल्यूशन है वो मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सेम अर्थ के साथ घूमती हैं। हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर। तो यानी कि अगर आप चाहते हो कि सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ घूमे, तो उसका उसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर पर आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स वो हैं जो पोल्स के आसपास घूमती हैं, नॉर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ। तो इसके अंदर पोलर सैटेलाइट्स आर लो ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, ये बहुत हाइट कम है। कितनी कम है? 500-800 किलोमीटर, वो 36,000 किलोमीटर है, ये 500-800 किलोमीटर है। ये बहुत जल्दी अर्थ के चक्कर काटती है, एक चक्कर ये सिर्फ 100 मिनट में काट लेती है, तो कई चक्कर काटती रहती है ये अर्थ के। ठीक है, पोलर सैटेलाइट्स है। तो क्योंकि सन इलिप्स की फॉर्म में प्लैनेट मूव करते हैं और सन यहां पर है तो फोकस पे है, तो यहां पर वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, यहां पर मैक्सिमम किया था हमने। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अपोजी। और इसको क्या बोलते हैं? पेरिजी। मिशन मंगल, वो बोलते हैं हमारे पास बहुत कम दिन है, क्योंकि इसके बाद अगर हमने ये मिस कर दिया तो फिर हमें बहुत देर वेट करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो जब अर्थ यहां पे आती है सन के पास, तब वो अपने रॉकेट को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि जब अर्थ की स्पीड मैक्सिमम है तो रॉकेट जब निकलेगा उसकी स्पीड भी मैक्सिमम हो जाएगी, फ्यूल कम लगेगा। अगर वो यहां लॉन्च करेंगे तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, तो फ्यूल बचा रहे थे, क्योंकि ये बेस्ट पॉइंट है जब आप किसी भी ग्रेविटेशनल पुल को आप ओवरकम करना चाहते हो, तो यहां ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो इसलिए पेरिजी के ऊपर आप प्रोजेक्ट करते हो।
एक रिजल्ट है मैथ्स में, आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री करेंगे, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी ई होती है, मेडिकल वाले याद ही करेंगे, तो 1+e 1-e की रेशियो ए अपॉन बी होती है। ए का मतलब होता है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ और क्या रेडियस, और बी का मतलब सेमी माइनर एक्सिस। ये याद ही करना है, वैसे मुश्किल है मेडिकल में, बट फिर भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ तो मैंने इसमें नोट कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के साथ आपका ग्रेविटेशन खत्म होता है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ऑब्जेक्टिव शीट्स ऑलरेडी हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर जो मैंने आपको सब्जेक्टिव के साथ दी थी, शीट नंबर 41, 42 और 43, जितने कुछ क्वेश्चंस आधे हमने किए हुए हैं, जो नहीं किए हुए वो आपने सारे सॉल्व करके लाने हैं और नेक्स्ट टाइम इसके डाउट्स होंगे, इसको क्लोज करेंगे। ठीक ठीक पूछो। इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास।